तो दिन की शुरुआत हुई है, मेरे गाइड अपने सबसे छोटे बेटे को लेके आए थे मोहम्मद, और पिछले दिन अपने थोड़े इससे बड़े वाले बेटे को। तो मैं एयरबिल वापस आ गया था, आज है मेरा आखिरी दिन, और अभी कोरोना का टेस्ट शायद शाम तक रिजल्ट आ जाएगा उसका, और फिर मैं फ्लाइट बुक कराऊंगा और फिर जाएंगे कायरो। पर उससे पहले जाते जाते भाई, सबसे फेमस इराक में क्या है, द मोस्ट फेमस थिंग द वर्ल्ड नो अबाउट इराक इज सद्दाम हुसैन। यस श्योर। तो हम उसके एक पैलेस पे जा रहे हैं जो कि है गारा माउंटेन में, तो गारा माउंटेन में जा रहे हैं। सुबह हम निकले थे अपने होटल से अराउंड 8 बजे, अभी बज गए हैं 10, तो नो प्रॉब्लम अबाउट द रिजल्ट। कोरोना टेस्ट का रिजल्ट का फोन आया है, तो अभी रिजल्ट आ गया है, और मतलब अभी फ्लाइट भी बुक कर लूंगा। तो अभी हम जा रहे हैं सद्दाम हुसैन के पैलेस पे, एंड हाउ मेनी पैलेसेस सद्दाम हुसैन हैज इन all of Kurdistan? In all over Iraq he has so many, I don't know even the number, but in Kurdistan it's about 6 or 7 palaces. In the whole province he has about 2. Is very famous. So far I know about 2 in the whole province. Now we go to the famous one, which is in the top of Gara mountain. Okay. You will see its beautiful view and the landscape there, it's amazing. Will there be snow? No, I don't think so. तो भाई आप, अगर आपने कारण नेट की वीडियो देखी होगी तो वो जिसमें गए थे, they were not able to visit the mountain one because of snow. Two years ago with other clients, or every year January, February, even some years March, we are not able to get to the top because lots of snow. It's 2,100 or 2,200. तो भाई उसके बदले एक दूसरे में विजिट करते हैं, बट द सेकंड वन इज नाउ कंट्रोल्ड बाय पेशमर्गास। नाउ या इट्स आर्मी बेस, या सो वी कैन नॉट गो टू द पैलेस, बट वी कैन गो एंड विजिट द टेरिटरी ऑफ द पैलेस बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज टेरिटरी। सो अभी चल रहे हैं, एंड हाउ मच टाइम मोर विल इट टेक टू रीच अप्रोक्सीमेटली? फ्रॉम हियर मेबी 1.5 आवर। तो अराउंड 3 घंटे के ड्राइव आप मान सकते हो, और फिर आज लास्ट डे है। मे बी मैं और रुकता, पर काफ़ी, एक तो बहुत महंगा है इराक और मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है, आप लोगों को पता ही है। तो देखते हैं कैसा, मेरे को मतलब ऐसे पैलेसेस वगैरह विजिट करना काफ़ी पसंद है और मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, मतलब इंटरेस्ट, यू विल टेल अस इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट? You will tell us interesting things? Yeah, sure, when we go there, absolutely, yeah. Okay, don't leave me there. No, absolutely, no. So, bas chalte hain, ab aapko thoda rasta dikha deta hoon. वो जो माउंटेन है दूर वाला, जो मतलब थोड़ा धुंधला दिख रहा है, उसके टॉप पे भाई, मेरे कैमरे में इतना ही जूम है, उसके टॉप पे सद्दाम का पैलेस। इट्स क्वाइट फार, या अभी भी काफी दूर है। इट्स ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन। तो भी लगेगा 1 घंटा जाने में, तो मैंने अभी शॉर्मा और ये पेप्सी ले ली थी। यस या सो सद्दाम ही बिल्ड 2 रोड टू गोइंग टू हिज पैलेस। Actually, this road is going to only to his palace, so he spent lots of money to build this road, and this doesn't go to any villages or nothing, just go to his palace. And the second road is the from the other side of the mountain. Okay. And till the top, till the his palace, he built 8 security houses, 8 houses for security, and actually I will show you some. Only 2 of them are still standing, the other it's all bombed during the war. I will show you the 2 that still are there. Okay. But both of them are ruins. Okay. तो ये जो रोड है ना, ये सिर्फ सद्दाम के पैलेस तक जाती है भाई, मतलब उसने सिर्फ अपने
पैलेस तक दो रोड, एक पहाड़ के इस साइड से, एक पहाड़ के उस साइड से, ये किसी गांव में नहीं जाती। But there was people were not allowed to build anything when he was here. Uh-huh. But these little farms are built, you know, recently. Still, it's on construction. Yeah, अभी बनने शुरू हैं यहाँ पे. But before, no one were allowed to come here or build anything. Even the farmer, they were on the land, but they were not allowed. देखो पीछे वाले mountain पे है यार, अभी तो दिखेगा नहीं, चला गया। तो जब कारनेट आए थे तो मतलब यहाँ तक ही आ पाए थे क्योंकि बर्फ बफर बफर या स्नो बर्फ गिर रही थी, स्नो गिर रही थी, आप उनकी वीडियो में देख सकते हो। तो ऊपर मेन वाले पैलेस पे नहीं जा पाए थे, पर हमारे टाइम में अभी यहाँ पे आज तो धूप है तो जा सकते हैं हम ऊपर। तो यहाँ से हम जा रहे हैं और अब दिखेगा आपको उस पहाड़ पे, वो देखो वो है सद्दाम का पैलेस। सो हाउ मच मोर टाइम, ये देखो ये जो है ये आइस है साइड में भी जो है ये, आवाज आई आइस की टूटने की। तो अगर मेरे पीछे उस पहाड़ पे देखोगे, ये है सद्दाम का पैलेस, उसमें जा रहे थे हम। तो जो 8 सिक्योरिटी के घरों के बारे में बताया था ना, एक वो टूटा पड़ा वहाँ पे, अभी जूम करके दिखाता हूँ, एक ये टूटा पड़ा है यहाँ पे। तो मतलब ओनली टू सर्वाइव, या ओनली टू सर्वाइव, ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग द वॉर इट्स डैमेज और डिस्ट्रॉयड, बट ओनली टू सर्वाइव, बट देयर आर आल्सो रुइंस एक्चुअली, वन इट वाज डाउन देयर, वी डिडंट स्टॉप। अब तो मतलब ये बिल्कुल ही रूइन का भी रूइन हो चुका है, तो वहां तक जाने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। और इज दैट नाउ दिस इज द मेन पैलेस दैट सद्दाम ही वाज यूजिंग दैट वन फॉर वेकेशन और ड्यूरिंग स्नो हियर ही वाज कमिंग, बट एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी व्हेन दे बिल्ड इट। सो ही स्टार्ट बिल्डिंग दिस पैलेस इन 1988 एंड देन ही फिनिश्ड इट इन 1989. Okay. And in 1991 he lost power in Kurdistan. So he was able to use this palace only for 1 year, 1.5 years. So he lost power here. So he built this palace and he stayed or he visited this palace only twice. Once during the construction and one time when the construction finished. Actually, if you look in YouTube or research that he has a Saddam, he visited this palace with his wife, her name Sajida, during the snow time. So we are almost to the palace. So Saddam, he put lots of mines to protect his palace from Peshmerga or Kurdish revolution fighter, because sometime when he was visiting his palace, so Saddam was afraid that some Peshmerga Kurdish freedom fighter were attacking him. So he put in this area, do you see, look at the sign, mines. The sign, it says this is mine field. So he put in this area to the top, it's all mines. Okay. And look, every 10 meters there's mine sign. I will show you, for example here. Look, this is means mines, this is mine sign. And then here we have every 10 meter you walk, there is a mine site. So that means this is full of mines. ये आ गए सद्दाम के पैलेस पे। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है पैलेस, और अभी मैंने इसका आपको अंदर का टूर भी देना है। चलते हैं अब इस पैलेस के अंदर, और मतलब जहाँ तक जाने का अलाउड देंगे, अलाउड होगा वहाँ तक चले जाएंगे, और बस यही है। तो ये सीढ़ियों चढ़ के आया हूँ मैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, और ये पूरा पेशमरगाज ने अभी मतलब ले लिया है, मतलब इसको कब्जा कर लिया है। तो ये देखो पूरा मतलब टूटने को हो रहा है ये। So do you see the corner here? Yeah. This was his bedroom. He was sleeping here, and he has best view that overlooking to the Amedi city and Turkey. Actually, that mountain is Turkey. Okay. You know, we are right in the border, and if you record over there, that was his helipad for helicopter. Okay. That was his helipad,
So sometime he was using helicopter, or he was sometime also he was coming by cars as well. So both. तो इसके चलते अंदर अभी हम ज़्यादा जगह जाने के लिए अलाउड नहीं है अभी हम ज़्यादा जगह जाने के लिए अलाउड नहीं क्योंकि जो इस जगह की हालत है ना वो बड़ी खस्ता है तो सिक्योरिटी पर्पजेज सेफ्टी पर्पजेज की वजह से अंदर नहीं जाने देते पर थोड़ा बहुत तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ है ना जितना मतलब और शायद इन्होंने हमको कॉफ़ी चाय के लिए भी इन्वाइट किया है तो ये है अंदर से अगर आप देखो तो अभी तो कुछ नहीं बचा क्योंकि लूट लूट लिया होगा जब मतलब वॉर वगैरह चलती होगी देयर मस्ट बी सम लूटिंग्स ड्यूरिंग द वॉर या ड्यूरिंग द वॉर व्हेन ही लॉस्ट पावर इन कुर्दिस्तान एक्चुअली या पीपल दे अटैक दिस पैलेस बिकॉज वी वर वेरी एंग्री ऑफ हिम सो दे लूटेड एंड बूटी एवरीथिंग And come, I will show you this. This was his balcony. Unfortunately, we are not allowed to go there now. So, for example, he was sitting here and then overlooking. Do you see this mountain is Turkey? With a mountain with the snow is Turkey. Okay. And that little town on the top of the hill. Amedi. So that's Amedi, yeah. Okay. And his second palace actually somewhere there. Mm-hmm. And now later we will go there as well. तो कहाँ से आ रही है धूप हाँ यहाँ से आ रही है तो ये है सद्दाम का पैलेस कुर्दिस लोग बहुत गुस्सा थे मतलब सद्दाम से तो जब मतलब वो लॉस्ट पावर से गया तो यहाँ पे आके लूटा पार्टी हुई होगी वो तो सही साफ सीधी सी बात है तो मैंने पूछा सद्दाम कब से कब तक पावर में था तो अगर आप मतलब बिल्कुल सद्दाम का रिजीम देखोगे तो 1997 से 2003 तक इराक में पावर में था पर वो वाइस प्रेसिडेंट 1974 से था और ऐसा कहते हैं कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी यहाँ पे था उससे भी ज़्यादा पावर थी तो लोग कहते हैं कि 1974 से ही वो पावर में था पर असली मतलब जो पावर में आया बिल्कुल वो 1997 में आया पर कुर्दिस्तान में वो पावर में आया था कुछ 1988 के करीब पर 1991 में उसको निकाल दिया था यहाँ से कुर्दिस्तान से एक चक्कर मार के आते हैं थोड़ा अभी तो यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है बहुत ठंड है यहाँ पे अभी तो ये थी बालकनी जिसकी वो बात कर रहे थे पर अभी जाना अलाउड नहीं है तो देख लो ऐसी हालत है क्योंकि यहाँ पे बहुत बॉम्ब्स वगैरह गिराए गए थे ये है फुल व्यू अगर आप लेना चाहो पहले इसका तो इतना ही देख सकते हैं भाई अभी और मैं कहानियाँ भी नीचे जाके बताता हूँ क्या है ये बेडरूम था भाई अभी तो कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे मतलब सब कुछ ही लगभग ख़त्म हो गया तो एक बात और क्या बताई है मेरे गाइड ने कि मतलब यहाँ पे जब सद्दाम मतलब जब राज था ना तब तीनों टाइम खाना बनता था और मतलब कि कभी भी आ सकता सद्दाम तो हर टाइम खाना बनता चाहे आए चाहे ना आए बनना खाना है ही ठीक है और अभी इनवाइट किया था खाने के लिए पर जो पेशमरगज हैं वो यहाँ पे 15 दिन तक रहते हैं और फिर 15 दिन अपने घर जाते हैं तो हमने सोचा भाई उनके लिए खाना कम ना पड़ जाए तो हमने मना कर दिया क्योंकि अभी खाना खाया ही था मैंने और हाउ वाज द एक्सपीरियंस Oh, it was amazing. Yeah, and you had Kalashnikov and you took a picture with that. Yeah. हाँ तो उन्होंने अपनी गन भी दी मतलब फोटो खींचने के लिए इसके साथ इसने भी गन पकड़ी और फोटो खिंचवाई मैंने भी गन पकड़ के फोटो खिंचवाई तो वो आप इंस्टा पे देख सकते हो यह डेंजर साइन या सो इट्स इज डेंजरस माइन माइंस या डू यू सी यस यस यू गो आउट और नो इट्स ओके ये जो मैंने ऊपर से दिखाया था हेलीपैड अब हेलीपैड पे आ गई ये जो दिख रहा होगा आपको पहले यहाँ से फोटो सही आएगी थोड़ी तो हेलीपैड पे आ गए यहाँ पे भी आना अलाउड है मतलब यहाँ पे आना तो हर जगह अलाउड है पर ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं क्योंकि कोई टूरिज्म है नहीं तो मेंटेन क्या ही करें यहाँ से आप खिंचवाते हैं फोटो और चाहो तो यार इंस्टा पे फॉलो करके लाइक वाइक कर देना फोटो बस और क्या और कोई रिक्वेस्ट नहीं है आप लोग के लिए वीडियोज़ नहीं है मैं तो आके देख ही रहा हूँ